175 साल पुराना कैमरा दोस्तों, ये देखिए आपके सामने है, बहुत ही गजब का कैमरा। मास्टर भाई संजू भाई हम लोग देख रहे हैं आज हमें जयपुर में, और इसको बोलते हैं बैक बॉक्स कैमरा दोस्तों। ये है बॉक्स कैमरा, 175 साल पुराना है। ये देखिए इन्होंने कुछ इसके अंदर अभी डाल दिया है, अंदर से इसका दृश्य देख सकते हैं कैसा है, मैं इसमें दिख रहा हूँ। लेकिन इसके सामने बैठ के अभी मास्टर भाई फोटो खींचने वाले हैं। और ये हाँ अभी कुछ तो डाला है, अभी आपने क्या डाला उसमें? केमिकल डाला है। नमस्कार सर जी। नमस्कार, आपके बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए। ये कैमरा है और मेरा नाम टीकम चंद पहाड़ी है। हाँ, और 1860 का ये कैमरा है। अच्छा, 1860 का ये कैमरा है। और आप इसको कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं 1977 से कर रहा हूँ। 1977 से आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा, ठीक है। और कैमरे के बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। वही दे रहा हूँ मैं आपको जानकारी, बताइए। ये बॉक्स कैमरा है। हाँ, इस बॉक्स कैमरे से सिल्वर नाइट्रेट पेपर से फोटो बनता है। अच्छा, और आज जो DSLR कैमरे चल रहे हैं वो प्रिंटर पर निर्धारित है। ये सारा हैंडवर्क है। अच्छा, हैंडवर्क काम होता है इसमें, पूरा का पूरा हैंडवर्क काम होता है। जी हाँ, जी हाँ। तो दोस्तों आज हम आपको यहाँ पे ये गजब का कैमरा दिखा रहे हैं, तो आप वीडियो को शेयर करते रहिएगा हम आपको यहाँ पे। और इसका आगे जो है लेंस किधर रहता है इसका? उस तरफ से आइए, बाजार से। लेंस किधर रहता है? बाजार से आइए तो वो आप मुझसे पूछोगे ना यार। लाइव वीडियो चल रहा है फेसबुक पे सर जी। हाँ, तो आप चलिए ना, आप उधर से आइए। हाँ, बाजार से। तो मुझे ये बताइए कि इसका लेंस आगे रहता है क्या? मतलब इसका लेंस जर्मन का ये है। अच्छा, जर्मन का लेंस है ये। जर्मन का लेंस है। हाँ जी, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जर्मन का आगे पीछे भी होता है। बिल्कुल, इसमें फोकस होता है। हाँ, फोकस होता है, जूम आउट होता है। फोकस भी होता है, जूम आउट भी होता है। आउट भी होता है। उस साल में भी जूम इन जूम आउट सारे काम। एक फोटो हमारी पूरी निकाल दीजिए इनकी। चलिए, कितना समय लगता है? कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाता है। वैसे तो एक फोटो निकालने में कम से कम 5 से 10 मिनट लगता है। 5 से 10 मिनट एक फोटो निकालने में दोस्तों लगता है। और देखिए यहाँ पे जो है अभी हम फोटो निकालने वाले हैं। यू लाइक फोटो? बैठ जाओ मास्टर भाई। तो मास्टर भाई हमारे यहाँ पे बैठने वाले हैं, और 175 साल पुराने कैमरा से देखिए फोटो कैसे निकलता है। और नीचे इसकी बनावटी देखिए, ये लकड़ी के ऊपर पूरा धरा हुआ है, यहाँ पे पकड़ने के लिए कुछ है शायद। और ये देखिए लेंस इन्होंने खोल दिया है। अच्छा, कैप्चर कैसे होता है फोटो? ये देखिए दोस्तों, इसमें ये फ्रेम कैसे रखा गया है ये देख सकते हैं। ये मास्टर भाई इसमें उल्टा क्यों दिख रहा है? उल्टा ही आता है कैप्चर, उल्टा ही आता है। आज DSLR में सीधा आता है। इसमें लाइट नहीं लगती? नहीं नहीं, बैटरी सेल कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल डे लाइट फोटोग्राफी है और डे लाइट भी चलता है। ये देखिए दोस्तों, इसी में सब कुछ है, पूरा का पूरा बॉक्स पैक है। और बॉक्स के अंदर यहाँ पे मास्टर भाई हमारे दिख रहे हैं। कितना मिनट ऐसे रखना पड़ता है? ये बस फोकस सेट किया है, फोकस सेट करने के बाद अभी आप एक्सपोज। सिद्धू आना यार, छतरी पकड़। ये देखिए दोस्तों, हाँ छतरी, हाँ छतरी पकड़ू अभी। क्या छतरी पकड़ना पड़ता है? रिफ्लेक्शन आता है ना लाइट का। अच्छा, लाइट आती है, लाइट का रिफ्लेक्शन इस पर और चेहरे पे आता है। अंदर से आप देखते हैं? जी हाँ, देखने को तो देख लिया, फोकस सेट कर दिया। अच्छा, सब कुछ कर दिया, अब सिर्फ फोटो बना रहा हूँ मैं उनकी। ये अंदर मास्टर जी की फोटो बना रहा हूँ। यस, मास्टर जी की फोटो। बिल्कुल बिल्कुल, मास्टर जी की। मास्टर जी आप हिलिए नहीं, हिलेंगे तो फोकस आउट हो जाएगा। अभी हाथ अंदर डाल के आप क्या कर रहे हैं? वो फिल्म का प्रोसेस चल रहा है उसमें। अच्छा, फिल्म का प्रोसेस चल रहा है यार, जब कह रहा हूँ। यस, 1 2 3। हिलना नहीं, हिलना नहीं आपको, नहीं फोटो ब्लर हो जाएगा। हिलेंगे तो जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहे, हिलना नहीं। यस, 1 2 3। अच्छा, सब कुछ सेट किया, इसके बाद ये आप क्या कर रहे हैं? एक्सपोज चल रहा है अभी। 1 2 3, 1 2 3, डन डन। एक बार ढक्कन निकाला, डन हो गया। हो गया। अभी फाइनल आपने क्या प्रोसेस किया वो थोड़ा हमें बताइए। प्रोसेस फाइनल यही है, वो एक्सपोजिंग करके और नेगेटिव ले लिया उस पर। अब नेगेटिव आएगा आपका। अच्छा, नेगेटिव आएगा, मास्टर जी का नेगेटिव आएगा, मास्टर जी का नेगेटिव आएगा मास्टर जी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या कमाल की फोटोग्राफी होती है। 175 साल पुराना ये कैमरा है। इंतजार है फोटो कैसा आता है। हाँ, फोटो कैसा आता है, बिल्कुल इंतजार रहेगा। अभी प्रोसेस अंदर चल रहा है क्योंकि डार्क रूम इसको खोल नहीं सकते। फोटो को डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्योंकि बाहर नहीं कर सकते हैं, लाइट चली जाएगी, फिल्म बेकार हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी की कोई जरूरत है? कुछ भी नहीं लगता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ नहीं लगता है।
दोस्तों आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आज हमें जयपुर में और जयपुर में हवा महल के पास में यहाँ पे जो ये अंकल जी जो है पुराने जमाने का बहुत कैमरा और इससे जो है ये सब मैं खुद ही कर लेता हूँ मेंटेनेंस। सब आप ही करते हैं? सब हम ही करते हैं, क्योंकि अगर किसी को अगर ये मेंटेनेंस के लिए दे देंगे ना तो इसके मिस्त्री है नहीं इसलिए इसको हम दे नहीं सकते। मतलब ये अंग्रेजों के जमाने का है? तो बिल्कुल अंग्रेजों का जमाने का है अगर देखा जाए तो। तो एक फोटो आप कितने की बना के देते हैं? पूरा लकड़ी का बना हुआ है, ब्रिटिश के जमाने का कैमरा है। ब्रिटिश के जमाने का जर्मन नहीं, प्राइस नहीं बताना है सर। प्राइस नहीं, कोई पता नहीं है, आज ये है कल ज्यादा है कल कम है। अच्छा, प्राइस ऊपर नीचे रहता है आपकी फोटो को? तो क्योंकि माल तो जो आता है वो बड़ा महंगा आता है। अच्छा, क्या है कि इसका प्राइस का तो हम वो क्लियर नहीं कर सकते ना, आज ये है कल ज्यादा हो जाएगा, कल उससे भी ज्यादा हो जाएगा। मैंने तो आज तक अभी नहीं देखा। हम लोग आइए महाराष्ट्र से आए हैं। बिल्कुल आपका स्वागत है, पधारो मारे राजस्थान। अरे वाह, ओ यार ये क्या था, ये लिक्विड में डाल के निकाला। ओ ये देखिए दोस्तों देख सकते हैं, फोटो फाइनली आ गया है हमारा। फाइनली नहीं है, ये नेगेटिव है। अच्छा, ये अब इसका पॉजिटिव बनेगा। अच्छा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव बनेगा, अभी सब बनेगा। अच्छा, ये अच्छा इसी में बनेगा क्या? इसी में नहीं, वो यहाँ लगा के बनेगा। अभी सब आ रहा है आपके सामने, सब यही आएगा वो। ये देखिए आप, तो यहाँ से निकाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये देखिए, फिर यहाँ पे लगाया, ये देखिए, फिर उल्टा वहाँ पे सेट कर दिया। क्या कमाल का वहाँ, वहाँ उल्टा हो गया, यहाँ सीधा होगा। अच्छा, क्योंकि कैप्चर अब उल्टे से सीधा आएगा। मतलब अभी यहाँ पे दूसरा प्रिंट तैयार होगा? अब तैयार होगा प्रिंट, मेन प्रिंट अब तैयार होगा। अच्छा, मेन प्रिंट अब तैयार होगा। बहुत गजब का प्रोसेस है। बिल्कुल है दोस्तों, पूरा प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं, वीडियो को आप शेयर करते रहिए। उस जमाने में राजा महाराजाओं का प्रोसेस ऐसे ही चलता था, स्टूडियो में फिल्म रोल हुआ करते थे, सब कुछ चलते थे। आज वो फिल्म रोल नहीं है, फिल्म रोल खत्म हो गए, लुप्त हो गए हैं। हाँ बिल्कुल लुप्त हो गए हैं। हाँ, और यूरोप में तो चालू है, यूरोप में बहुत महंगा है ये सब कुछ, यूरोप से ही है अब इसका लिंक। पहले तो उल्टा निकाला, फिर उसका निगेटिव बाहर लगाया, फिर फाइनल अभी आएगा। इस वक्त हमें हवा महल के पास में दोस्तों, और ये देखिए इसको सेट कर रहे हैं, हम हैं जयपुर में। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिएगा। ये मास्टर भाई का फोटो यहाँ पे देखिए, उल्टा लगा दिया है और इधर लेंस खोल दिया है, आगे से इसका लेंस देख सकते हैं, ये जर्मन की लेंस है। क्या कमाल का सिस्टम है यहाँ पे देखिए, ये आपके मास्टर भाई यहाँ आ गए। आगे सर ये देखिए, यार आ सही आ गए, खड़े आ गए, उल्टे थे अब सही आ गए। लेंस सेट करना पड़ता है क्या? ये जर्मन का लेंस है, कार्ल ज़ाइस का। अच्छा, कार्ल ज़ाइस का लेंस, ओरिजिनल लेंस है। ओरिजिनल लेंस है, बिल्कुल ओरिजिनल है। अभी इस कैमरे की कीमत बहुत होगी ना वैसे तो? अभी कीमत से खैर मैं नहीं कह सकता कि कीमत क्या है, क्योंकि ये तो एक एंटिक चीज है, एंटिक हो गया है और एक विरासत में आ गया। कीमत लगाना भी बहुत गलत बात है। नहीं, कुछ कह नहीं सकते, ये तो एक यूनिक चीज हो गई। मतलब ये आपके खानदानी पहले भी? मेरे दादाजी का है। ओ, मेरे दादाजी चलाते थे, उसके बाद मैं चलाता हूँ। बहुत बढ़िया, शानदार। ये देखिए दोस्तों, काफी प्रोसेस है, 8 मिनट अभी हो चुका है, अभी हमारा ये फोटो निकलने का काम चालू है। हाँ दोस्तों, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? अभी आप क्या कर रहे थे? ये प्रिंट हो रहा है इसका। अच्छा, निगेटिव का प्रिंट हो रहा है, का प्रिंट कलर हो रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बन रहा है, कलर नहीं बन रहा है। वो नेगेटिव है तो उसका ब्लैक एंड व्हाइट पॉजिटिव बनता है। पहले फिल्मों के ऐसे ऐसे वो आते थे नेगेटिव। अच्छा, फिल्म जो रोल होते थे प्लास्टिक वाले, वो ऐसे ही नेगेटिव आते थे। अच्छा, ऐसे ही आते थे, ऐसे आते थे, उनको बोलते थे 35 का 120 का फिल्म रोल। अच्छा, अब फिल्म रोल गायब हो गए, अब तो केवल जो चल रहा है पेपर नेगेटिव है, पेपर पॉजिटिव है। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो बॉक्स कैमरा है, इसको लकड़ी के ऊपर पूरा का पूरा रखा गया है, आगे इसकी लेंस है और इसमें काफी सारा प्रोसेस है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और शेयर जरूर कीजिएगा यार, इतनी पुरानी चीज है, इतनी जबरदस्त चीज है। आप भी कभी जयपुर आइएगा तो यहाँ पे हवा महल के पास में, जस्ट एड्रेस बता दीजिए। हवा महल के पास टाउन हॉल है, टाउन हॉल के पास में शॉप नंबर 120 है। हाँ, उसके पास आइए और फोटो बनवाइए। हाँ, फोटो बनवा आके जरूर देखिए, कैमरा जरूर देखिए, क्योंकि हाँ, आज हर बंदा हर बच्चा DSLR पे फोटोग्राफर है, नेचुरल फोटोग्राफर नहीं मिलेंगे। लेकिन ये नेचुरल एकदम देसी तरीके से, अंग्रेजों के जमाने का, अंग्रेजों के जमाने का, ब्रिटिश के भाई, पुराना दोस्तों।
आपको बोल सकते हैं 200 साल पुराना, दोस्तों 200 साल पुराना आपको कैमरा दिखाया, इस बात पे एक कमेंट दोस्तों जरूर बताइए आपको एक कैमरा कैसा लगा और आपने इससे पहले ऐसा कैमरा कभी देखा था नहीं देखा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। आप कमेंट करो भाई आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हम अभी है राजस्थान में जयपुर में और हम आपको बहुत यूनिक यूनिक चीजें दिखाने वाले हैं। ये देखिए फाइनली यहाँ पे खुल रहा है, ये देखिए ढक्कन, मैं उधर आता हूँ, ये देखिए ढक्कन खुल गया और ये फाइनल एक फाइनल आ गया ये है देखिए दोस्तों फोटो तो आ गया है, फाइनली हमारा फोटो आ चुका है, देख सकते हैं मेरा फोटो किस प्रकार से आ गया है, इसको भी आ गया नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल ब्लैक एंड व्हाइट, नेचुरल ब्लैक एंड व्हाइट। अब ये फोटो 80-90 साल तक कहीं नहीं जाएगा, ऐसे कैसे रहेगा? अच्छा। इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसा क्यों मतलब? क्योंकि सिल्वर नाइटेड पेपर है ये। अच्छा, और लॉन्ग लाइफ चलता है ये। अच्छा लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ चलता है, 80-90 साल तक चलता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कमाल का नेचुरल नेचुरल, इसको सुखाना पड़ेगा ना, मैं सब करूंगा अभी। अच्छा ये सब करके दूंगा, ये देखिए पूरा अभी सुखा के देंगे। ये था इसका नेगेटिव, उल्टा वाला उसमें लगाया था, ये फाइनल, ये दोनों के दोनों देख सकते हैं। मास्टर भाई कैसा लगा भाई ये? यार बिल्कुल गजब की कलाकारी दोस्तों। आज के पहले आपने ऐसा सिस्टम देखा था कि इसको, नहीं इसको कलाकार नहीं कहा जाता है, ये एक पुराना कैमरा जिसे कहते हैं, एक बंदा एक फोटो को के लिए कम से कम भी नहीं तो 3 दिन इंतजार करता था, हम एक फोटो 3 दिन में बनाते थे और आज DSLR कैमरों पे बहुत जल्दी तुरंत मिलता है, तुरंत आ जाता है और चाहते हैं तो अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम डिलीट नहीं कर सकते नहीं कर क्योंकि जो चीज आ गई वो आ गई, आ गई, अगर ब्लर आ गया तो आ गया, आ गया और आ अगर गया। नहीं आया तो राइट आ गया तो फिर ओके, और फिर हम इसका प्रिंट बना के देंगे ही, चाहे वो कैसा भी आए फिर हमको बना के इस तरीके का देखो। दोस्तों मेरा फोटो कैसे आ गया है इस बात को एक लाइक जरूर करना, ये देख सकते हैं दोस्तों अंदर से किस तरीके से ये कैमरा है, उसमें जो है वो फंसाया जाता है, उसके बाद यहाँ पे कुछ किया जाता है, उसके बाद इसमें गिराया जाता है फाइनली। ये देखिए, ये देखिए मास्टर जी को देखिए, मास्टर जी हल्का सा स्माइल कर रहे हैं, हल्का सा कर रहे हैं, हल्का सा, राजस्थान का एकदम कमाल के फोटो यहाँ पे आ गया दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये कैमरा देखकर मास्टर जी खुद अचंभित हो रहे हैं कि क्या ऐसा भी कैमरा हुआ करता था क्या, ऐसे भी फोटोएं बनती थी क्या, ये वास्तविकता में ऐसे भी फोटो बनते थे, सही कहा, राजस्थान में ऐसे। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय, आइए आप, आपकी मास्टर जी की कैमरे के साथ फोटो खींचेंगे, एक फोटो का दिया यहाँ पे 500 मोबाइल दीजिए आपका, यहाँ पे देख सकते हैं ये अक्षय कुमार भी आके गए, चलिए आइए, अलग अलग साइज है कैमरा 1260 यहाँ पे लिखा गया, उनसे बोलिए कि अगर आइए मास्टर जी का कैमरे के साथ पूरा सिस्टम है दोस्तों। आपके कैसे लगा दोस्तों बोल बताइए, इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करो, इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करो, कम से कम 50,000 शेयर करो, क्योंकि हमने आपको बहुत ही एंटिक चीज दिखाई है दोस्तों, 50,000 शेयर जरूर करना दोस्तों, क्योंकि हमने आज आपको बहुत ही रेयर चीज दिखाई है, तो चलो भाई इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करो, लाइक करो, फॉलो करना ना भूलिएगा, बाय बाय, मिलते हैं नए लाइव में, लीजिए सर वेलकम, बाय दोस्तों, मिलते हैं नए लाइव में, राजस्थान से सीधा।